चौथा क्वार्टर फाइनल होने वाला है शुरू। जूनियर हाई स्कूल के सामने है प्रज्ञान पब्लिक स्कूल। हो चुकी है शुरुआत इस गेम की, जहां जूनियर हाई स्कूल प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के बिल्कुल सामने कोशिश रहेगी पॉइंट्स निकालने की, और ये कोशिश शुरू हुई। जूनियर हाई स्कूल जर्सी नंबर 4 आउट, पहला पॉइंट निकाला। जूनियर हाई स्कूल का खाता खुलता हुआ यहां इस टच पॉइंट के साथ साथ, और टच पॉइंट के ही बादशाह नवीन एक्सप्रेस के ज्यादातर फैंस हैं जूनियर हाई स्कूल में, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रज्ञान हाई स्कूल के सारे बच्चे प्रदीप नरवाल के फैंस, और मुझे लगा कि यहां एक डुबकी हम देख सकते हैं। कोशिश जरूर की लेकिन टैकल इस बार थोड़ा बेहतर। जूनियर हाई स्कूल धीरज इस रेट के लिए, 5 के डिफेंस के अगेंस्ट धीरज रखना पड़ेगा, लेकिन वो एंकल होल्ड सफल विनीत का, उन्हें आउट किया। पिछला क्वार्टर फाइनल बेहद नजदीकी था, पहला हाफ बिल्कुल बराबरी पर था, लेकिन आखिरी क्षणों में किसी तरह हमें विजेता मिले थे, लेकिन इस चौथे क्वार्टर फाइनल में भी वैसी ही बराबरी के साथ शुरुआत हुई है। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल की तरफ से विवेक टच पॉइंट लेकर गए, बोनस भी लेकर गए। बराबरी का एक और मुकाबला जिसकी शुरुआत हुई है, पहले 2 मिनट में यहां बराबरी पर रखा गया स्कोर, लेकिन इधर लगातार डिफेंडर्स अपना काम कर रहे हैं। चंद्रकांत क्या किसी तरह अपना कमाल करके दिखा पाएंगे, कोशिश जरूर की लेकिन रेडर आउट। बोनस लेकर गए जूनियर हाई स्कूल के प्रज्ञान, लेकिन प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के डिफेंडर्स उन्हें वापस भेज दिए, और इस समय विवेक के ऊपर ही पूरा भार आ जाता है। रेड का स्ट्रगल जारी है, समय ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन वो अभी भी निकल के जाना चाहते थे लेकिन रोक लिया गया, और ये सुपर टैकल जूनियर हाई स्कूल। बिल्कुल जूनियर हाई स्कूल ने एक बार फिर से बेहद नजदीक स्कोर लाइन को ले आने की कोशिश की। करंट रेट के लिए उनके सामने चुनौतियां ही हैं, लेकिन वो और पॉइंट निकाल के जाना चाहते थे। खैर ये पॉइंट तो उनके पास है, एक पॉइंट करंट के नाम। पहले हाफ की समाप्ति पर कांटे की ये टक्कर है, कदम से कदम बढ़ाकर दोनों ही ये स्कूल की टीमें सेमीफाइनल्स में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए बेताब है। चौथा क्वार्टर फाइनल के हाफ टाइम पर जूनियर हाई स्कूल और प्रज्ञान पब्लिक स्कूल दोनों ही 8 पॉइंट पर, कौन जीत के साथ अपनी जगह बनाएगा देखना होगा दिलचस्प। स्कोर भले ही 8-8 है, प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए, और इस बार जूनियर हाई स्कूल के डिफेंस ने खाता खोला है दूसरे हाफ की शुरुआत। फिर से 4 का डिफेंस, निकल के जाने की एक कोशिश थी लेकिन जकड़ लिया गया, जिसके कारण रोहित को बाहर जाना पड़ेगा। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल बराबरी पर फिर से ये स्कोर आ चुका है, लगभग 200 सेकंड्स बाकी, यानी कि लगभग 10, कम से कम 10 रेट्स यहां आएंगे। जूनियर हाई स्कूल प्रज्ञान पब्लिक स्कूल, संयम की परीक्षा होने वाली है, धैर्य की परीक्षा होने वाली है, अब दबाव को सहने की अब शक्ति परखी जाएगी। यहां से मोमेंटम बन सकता है प्रज्ञान का, सुपर टैकल की ये सिचुएशन है, स्ट्रगल जारी है, और ऐसी स्ट्रगल के अंदर क्या निकल के जा पाएंगे, वो एंकल जो पकड़ा गया, अभी भी जान लगाई जा रही है, लेकिन अब ये सुपर टैकल फाइनली। लंबा स्ट्रगल था, बेहद करीब उस मिड लाइन के, लेकिन आखिर तक इस संघर्ष को जारी रखा, और अब यहां प्रज्ञान पब्लिक स्कूल अगर ऑल आउट बचाते हैं तो इस मुकाबले में भी जाने, कोशिश लेकिन विफल। जूनियर हाई स्कूल ने एकजुट होकर यहां ये निश्चय कर लिया कि इस मैच को बराबरी पर भले ही रखा है प्रज्ञान पब्लिक स्कूल ने, लेकिन जीत केवल इनकी हो सकती है। ऑल आउट कर चुके हैं, इस मैच का पहला ऑल आउट देखा हमने, 6 पॉइंट्स का फासला है, तो एक तरीके से शुभम ने ही इस मैच की जीत को लगभग सुनिश्चित किया है। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल बहुत ही अच्छा यहां पर मैच प्रेजेंस दिखाते हुए, रोहित पता था उन्हें आखिरी रेड रहेगी, पता था उन्हें कि वो जीत चुके हैं। शानदार प्रदर्शन के तहत 3 पॉइंट्स के साथ जूनियर हाई स्कूल हमें मिल चुके हैं चौथे सेमीफाइनल्स के रूप में, लेकिन तारीफ करनी होगी प्रज्ञान पब्लिक स्कूल की भी, ओशन आखिरी मिनटों तक इस मुकाबले में बने रहे, अपना सब कुछ झोंक दिया। 19-16 का ये स्कोर लाइन जूनियर हाई स्कूल, इसी के साथ एक और टीम बन जाती है, आखिरी टीम बन जाती है जो सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना चुकी।